देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. वन इज नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. तो दो तरह के फाइबर होते हैं, एक जो नेचर से मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है, एंड अदर इज सिंथेटिक फाइबर्स विच आर मैन मेड, फॉर एग्जाम्पल रेयन, नाइलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा. और जो ह्यूमन बनाते हैं, हम सब बनाते हैं जिन फाइबर्स को, उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. जैसे कि आपने रेयन नाइलॉन का नाम सुना होगा. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस ज्वाइंट टुगेदर. तो केमिकल सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट यूनिट को ज्वाइन करके एक जो चेन बनती है उससे सिंथेटिक फाइबर बनता है. तो मैनी सच सिंगल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. इस तरह से बहुत सारे यूनिट मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं. पॉलीमर मीन्स मेड ऑफ मैनी यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर. पॉलीमर का मतलब होता है कि बहुत सारे यूनिट्स को ज्वाइन करके बनाया गया है. तो सिंथेटिक फाइबर्स की टाइप में सबसे पहला आता है रेयन. रेयन जो है इस सिंथेसाइज फ्रॉम वुड पल्प. लकड़ी का जो छिलका है उससे रेयन जो है वो तैयार किया जाता है. रेयन रिजेंबल्स सिल्क, सो इट इज़ आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. ये सिल्क की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. रेयन कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स एंड इन मच चीपर देन सिल्क. रेयन को हम डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट कलर चढ़ा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सिल्क की बजाय. नायलॉन, नायलॉन वाज फर्स्ट कमर्शली सिंथेसाइज्ड फाइबर. इसे नायलॉन जो है वो कमर्शली यूज़ किया जाता है, मतलब बिजनेस के तौर पे नायलॉन ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. नायलॉन इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. नायलॉन को कोयले, पानी और हवा से प्रिपेयर किया जाता है. नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स फैब्रिक इज़ लाइक सिल्क. नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है और इट्स फैब्रिक इज़ लाइक सिल्क. और इसके जो फाइबर है, जो इसके धागे हैं, वो कैसे लगते हैं? सिल्क की तरह ही दिखाई पड़ते हैं. पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैन मेड फाइबर्स. इट इज़ मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर. इट इज़ वाइडली यूज टू मेक क्लोथ्स. तो पॉलिएस्टर जो है, ये एस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है, उसकी यूनिट को ज्वाइन करके तब ये बनता है पॉलिएस्टर. तो ये भी कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एक्रिलिक इज़ अ मैन मेड फाइबर. एक्रिलिक आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वूल और सिंथेटिक वूल बिकॉज इट रिजेंबल्स वूल. तो एक्रिलिक जो है वो भी मैन मेड है और ये भी आर्टिफिशियल फाइबर्स में आता है, पर ये हमें एक वूल की तरह दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल वूल कहा जाता है, ऊन की तरह. और एक्रिलिक इज़ वेरी चीपर देन नेचुरल वूल, कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. और इसको किसी भी कलर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डाई किया जा सकता है इसके ऊपर. और एक ये नेचुरल वूल से काफ़ी अच्छा है. दिस मेक एक्रिलिक इज़ वेरी पॉपुलर अमंग अदर फैब्रिक्स. इसी वजह से ये एक्रिलिक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है दूसरे अदर फैब्रिक से. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की क्या विशेषताएँ हैं सिंथेटिक फाइबर्स की? सबसे पहले तो है सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर. ये बहुत सस्ते होते हैं और नेचुरल फाइबर की बजाय, और इजीली जो है वो ख़रीदे जा सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर. सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल फाइबर की बजाय. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर. ये काफ़ी स्थायी होते हैं, काफ़ी दिनों तक सिंथेटिक फाइबर चल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्राइड अप इन लेस टाइम. ये जो फाइबर हैं ये बहुत जल्दी कम समय में ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर ईजी टू मेंटेन एंड वॉश. सिंथेटिक फाइबर्स को मेंटेन करना और उनको धोना बड़ा ईजी होता है. नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स. प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर दैट कैन बी रिसाइकल्ड, कलर्ड, रीयूज्ड, माउल्ड और ड्रॉन इन टू वायर्स और वेरियस अदर शेप्स. तो प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है और इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है, इसको कलर किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, और इसको धागों में भी बदला जा सकता है.
यूनिट्स ऑफ सम प्लास्टिक्स हैव लीनियर अरेंजमेंट बाय सम प्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड बाय द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट फॉर ऑफ देयर यूनिट्स। कुछ प्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट होती हैं और कुछ में क्रॉस लिंक होती हैं। द प्लास्टिक इज यूज इन मेकिंग टॉयज, सूटकेस, बैग्स, कैबिनेट्स, ब्रश, चेयर्स, टेबल्स एंड मैनी अदर काउंटलेस आइटम्स। पॉलीथीन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ प्लास्टिक विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरी बैग्स। तो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि टॉय बनाने में, सूटकेस में, बैग्स बनाने में, किसी के कैबिनेट बनाने में, ब्रशेज में जो थ्रेड लगे होते हैं वो बनाने में यूज़ होते हैं, और चेयर्स में भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। टेबल में आपको होता है, जैसे कि आप अपने चारों तरफ देखते हैं चीज़ें। अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की भी दो तरह की टाइप्स होते हैं, एक होती है थर्मो प्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों, अब थर्मो मतलब टेम्परेचर, दोनों ही टेम्परेचर से रिलेट करती हैं। तो थर्मो प्लास्टिक वो प्लास्टिक हैं विच कैन बी इजिली बेंट और डिफॉर्म ऑन हीटिंग आर नॉन एज थर्मो प्लास्टिक। जिन प्लास्टिक को हम इजिली बेंट कर सकते हैं और किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं हीट करने के बाद, उसको थर्मो प्लास्टिक कहा जाता है। जैसे कि पीवीसी एंड पॉलीथीन, ये थर्मो प्लास्टिक हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच डू नॉट गेट डिफॉर्म और सॉफ्टन ऑन हीटिंग व्हेन मोल्ड वंस, ये वो प्लास्टिक होते हैं जो एक बारी एक शेप में आ जाते हैं, फिर उनको हीट करके इनको दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, जैसे कि बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक की विशेषता क्या है? सबसे पहले तो इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर है। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड विद मैनी ऑफ द केमिकल्स। प्लास्टिक दूसरे एयर, वाटर और किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता। प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड चीप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक का वेट हल्का होता है, काफ़ी देर तक ये चल सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इट टेक मैनी ईयर्स टू गेट डिकम्पोज एंड सम टाइम डज नॉट गेट कम डिकम्पोज एट ऑल। दस प्लास्टिक इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, और डिकम्पोज होने में अगर होते भी हैं तो बहुत टाइम लग जाता है इनको डिकम्पोज होने में। तो ये प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। हम प्लास्टिक के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। प्लास्टिक डज नॉट रस्ट, बस ये है कि इसमें जंग नहीं लगता है, ख़राब नहीं होता।